भाई ये बीजेपी वाले प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं, हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे। सिर्फ बात एक थी भाई, हमने 70 साल हो गए तब वोट दिन देना, एक दिन सिर्फ यूं कहा था भाई किसानों के लिए वोट दे दो, इनने वो नहीं मारी, बिल्कुल भी अनसुनी कर दी। और आज ये हमारी छाती पे मूंग दड़ा है ना भाई, ये प्रोग्राम कर देंगे, प्रोग्राम नहीं बिल्कुल भी होने देवेंगे। प्रोग्राम हम जो हमारा जो विरोध है वो शांति के तरीके से, बिल्कुल शांति के तरीके से हम मतलब इन गल बर्ताव करेंगे, लेकिन हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी नहीं। प्रशासन के साथ बात हुई है, प्रशासन का दे रहा भाई आश्वासन दे रहा, और प्रशासन के अनुसार ही हम मतलब शांति के तरीके से काम कर रहे हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है, चलो विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है। चेयरमैन लोगे भाई बिल्कुल भी नहीं होने देवेंगे, शहर में होने देवेंगे नहीं, काम में होने देवेंगे बिल्कुल। ये तो कान खोल के सुन लो, जे था ना मतबल मारे गला कोई मतबल वो करनी है तो तैयार बैठे हम, लेकिन हम जो विरोध करेंगे शांति के तरीके से करेंगे। क्या रणनीति रहेगी आगे की? रणनीति यह रहेगी प्रोग्राम नहीं होने देवेंगे, जो हमारे ऊपर था जो आदेश आवेगा ना उसी के अनुसार काम करेंगे, और जो इनका विरोध करेंगे शांति के तरीके से करेंगे, लेकिन प्रोग्राम नहीं कहीं भी होने देवेंगे इनका, बिल्कुल भी नहीं होने देवेंगे। अरे हमारे हमारे 300 मर लिए रहा, इनके दो शब्द भी नहीं आए इनके मुंह आज तक, जिनके गुजरे उन्होंने पूछ के देखो कल कल माया के लाल गुजर के, इनका वो दो शब्द भी नहीं आए इनके मुंह आज तक, शर्मानी चाहिए इनका। अरे किसी का गोड्डा मोड़ना हुआ दो घड़ी से मुंडा मुंह करके बैठे गिरा है, अरे इनका तो वो भी नहीं है बहुत शर्म, एक शब्द भी नहीं कहा, एक एक लाल गुजरे उन बापा ने पूछ के देखो, उन माया ने पूछ के देखो, जिनके लाल गुजर रहे हैं इनके दो शब्द भी नहीं कह सके आज तक, ये बड़े शर्म की बात है। के मांगे था हमने अपने दाने बेचने का, तो ये अधिकार कहते भाई हम दाने ठीक बेच लिया। भाई जो किसान बायकाट कर रहे हैं इसकी निंदा की है, निंदा प्रस्ताव पास किया है विधानसभा में, ये क्या है? ये तो निंदा, जिस दिन मुख्यमंत्री बने था उस दिन किसान के पीछे पड़ गया था, जिस दिन हम दिल्ली गए उस दिन निंदा लग गया था करने के, दो शब्द ये कोई बड़ी बात थोड़ी करी है इसने, ये तो दूर दिन तक किसान के खिलाफ इनकी सारे खिलाफ में निंदा हो रही है, और क्या निंदा इनकी होगी, ये हमारी निंदा क्या करेंगे, इनकी वर्ल्ड में निंदा हो रही है। आप सारा देश देखो आज आक्रोशित है इनसे, निंदा प्रस्ताव वाले आए हैं, निंदा प्रस्ताव ये एक इनके गवर्नमेंट की वही है बस, ये कोई मुख्यमंत्री के लायक आदमी नहीं है, जो किसानों से झगड़ाता है ना वो अच्छा आदमी नहीं होता, उल्टा ये हमारे जख्मों के नमक छिड़क रहे हैं, उल्टे उल्टे बयान देते हैं, उल्टी उल्टी बातें मारे भड़काते हैं कि किसान, फिर भी मैं कहता हूँ किसानों की बहुत शाबाशी है जो इनके बयानों पे ज्यादा ना जाके दंगा उठ दंगा नहीं करते, नहीं तो इनसे कसर कोई नहीं है, ये भड़काना चाहते हैं किसानों को, घर परिवार किसान का इन्हें पता नहीं है भाई, घर बारी आदमी बतावेगा अपने दुख तकलीफ की, तो इन्हें दोनों मलंगा ने के बेरा घर किस तरह बसे करा, किस तरह लून तेल आए करा, किस तरह फसल तैयार करे करा, इन्हें पता नहीं है कुछ भी। कोई घर बारी आदमी हो राजा तो घर बारी होना चाहिए ताकि देश सुखता बसा, इन्हें पता नहीं है कुछ भी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में बोल दिया कि ये कानून बिल्कुल भी वापस नहीं होंगे, कोई और रास्ता, जितने दिन वापस नहीं होंगे ये किसान सड़कों पे ही रहेंगे भाई, मारे गलम तोड़ेंगे साड़ी भी आखिरी गल सुन लो, जिन्ना चेर कानून वापस नहीं होंगे तेरी धौन दे उत्ते उन्ना चेर गोडा रखा गे, ये साड़ी गल याद रखिये तू, असि उन्ना चेर किसान रहेगा, भारतीय किसान एकता, भारतीय किसान एकता।